गुड आफ्टरनून। और माई सेल्फ सुशील कुमार, सीनियर लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, IIT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक। टुडे वी आर डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन: ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर बोथ रियल नंबर्स। ये दोनों एक्स और वाई जो होते हैं रियल नंबर होते हैं। आई इक्वल्स टू रूट माइनस वन। आई जो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर। यहां अगर हम देखें जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू है एक्स प्लस आई वाई, इट मीन्स जो वाई है वो इमेजिनरी पार्ट है जेड का, जेड का, और एक्स है रियल पार्ट जेड। यदि इसमें इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। मतलब यदि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स है जीरो और जो वाई पार्ट है आई के साथ, आई मीन्स इमेजिनरी, आई वाई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू जीरो, तो वो जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली इमेजिनरी। सिमिलरली सेकेंड, इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू जीरो, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। मतलब जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक्स की वैल्यू तो है बट वाई की वैल्यू जीरो है, तो वाई जीरो इंटू आई जीरो हो जाएगा, एक्स वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एक्स वन प्लस आई वाई वन, जेड टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड एक्स टू प्लस आई वाई टू, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का इक्वलिटी को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की चेक करेंगे तो एक्स वन बराबर अगर जेड वन इक्वल टू है जेड टू इक्वल है तो एक्स वन की वैल्यू इक्वल होगी एक्स टू के, वाई वन की वैल्यू इक्वल होगी वाई टू के। यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे जेड वन जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे दो या तीन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हमें ऐड करना पड़े तो ऐड करने के लिए Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, X1 प्लस IY1, Z2 की वैल्यू पुट करेंगे X2 प्लस IY2। यहाँ जो ऐड करने का तरीका होता है रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। मतलब Z1 plus Z2 equals to होगा X1 plus X2 जो रियल पार्ट है एंड Y1 plus Y2 जो इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट के लिए ऐड किया जाएगा और रियल पार्ट में रियल। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सबट्रैक्ट करने के लिए यदि आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 में से Z2 को लिए माइनस करते हैं तो Z1 की वैल्यू माइनस Z2 की, ब्रैकेट ओपन करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का X2 हो जाएगा एंड देन माइनस I Y2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरह से होगा X1 माइनस X2 प्लस आई वाई वन माइनस वाई टू, ये माइनस करने के लिए। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इंटू जेड वन जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका इंटू हम करते हैं, इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू एक्स वन इंटू आई वाई टू प्लस y1 i into x2 प्लस प्लस आएगा अभी,
आई स्क्वेयर वाई वन वाई टू। अब यहां पर जो आई स्क्वेयर है उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है, जैसा कि हमने देखी पिछली स्लाइड में देखा था कि आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लेट कर रहे हैं आई को, जो हम एज्यूम कर रहे हैं आई किससे, रूट माइनस वन से। तो आई स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस। अब हम देखेंगे जैसा कि हमने ऐड किए थे कॉम्प्लेक्स रियल में रियल पार्ट के लिए ऐड किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों रियल पार्ट। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जेड वन में हम जेड टू को डिवाइड करते हैं, जेड वन अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वन प्लस आई वाई वन, जेड टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, उसके बाद हमें इससे डिनोमिनेटर को जो जेड टू है कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर है इसको रैशलाइज करना होगा। रैशलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है हर जो होता है उसके कॉन्जुगेट से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से जो डिनोमिनेटर है वो रैशलाइज हो जाता है, मतलब वहां कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा? डिनोमिनेटर, हर की जो संख्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं रहेगी, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जो डिनोमिनेटर है एक्स टू प्लस आई वाई टू है, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है एक्स टू माइनस आई वाई टू से, ठीक है। अब हम वन बाई वन मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये। बट ये बात ध्यान रखनी है कि जहां आई स्क्वेयर आएगा आई स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन, ठीक है। जैसे कि नीचे हम देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ जो आई स्क्वेयर है आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन है, माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर से ऐड होके ये वैल्यू आ जाएगी सबकी। इस तरह से हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमें रैशलाइज करना होता है, रैशलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ अभी है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार उसका कॉन्जुगेट हो गया जिसकी वैल्यू होगी एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। अब बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ प्लेन नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर डायगोनल वेयर एक्स इज कॉल्ड ए रियल पार्ट। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एक्स जो एक्सेस है वो रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट के लिए रियल एक्सेस के लिए, वाई रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी एक्सेस के लिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, इसमें पोलर फॉर्म जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय रूप, जैसे जेड जो है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई जो है ज्योमेट्रिकल रूप है, ठीक है। अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें तो वो होगी जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे जेड तो गिविन होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए
देखिए ये एक्स है रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन यहाँ पे जो आर होगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें आर निकालना होगा। भाई ये हमारा वाई हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा तो आर की जो वैल्यू होगी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर या आर इक्वल्स टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो मॉड जेड होगा मॉडुलस जेड होगा। मॉडुलस जेड मीन्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ होगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें थीटा एक्स को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर कॉस थीटा से वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर थीटा आर साइन थीटा से तो साइन साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा वाई अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन आर। यहीं पे टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स और वाई की जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे इनकी तो हमारा जो जेड निकल के आएगा वो होगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स यहीं से जो थीटा की वैल्यू है इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इस तरह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ज्योमेट्रिकल फॉर्म में वो अब चेंज हो जाएगा पोलर फॉर्म। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन है 1 + i / 1 - i इसे हमें a + ib की फॉर्म में चेंज करना है एंड देन उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने पहले सीखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि वो डिवाइड में है तो हमें डिनोमिनेटर को रैशलाइज करना है। रैशलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो जो 1 - i है इसका कॉन्जुगेट हो गया 1 + i इतने से मल्टीप्लाई करना होगा इतने से डिवाइड करना होगा। हमने यही किया है देखिए 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 1 1 के मल्टीप्लाई i से हुआ i i का 1 से हुआ i i का i से हुआ i स्क्वायर। तो यहाँ जो i स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है -1 हमने पीछे आपको बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई से आई डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो और देन नीचे भी आप देखेंगे डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे ऊपर हमारा बचेगा डिवाइड हो गया 2i डिनोमिनेटर में रहा 2 से 2 डिवाइड हो गया तो आई आ गया। आई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 + 1 i जहां ये प्योरली इमेजनरी है प्योरली इमेजनरी रियल पार्ट इसका 0 है इमेजनरी पार्ट 1। अब मॉडुलस जो निकाला जाता है मॉडुलस के लिए देखिए हमने यहाँ पे देखा था मॉड जेड जो है मॉड जेड में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वेयर। हम वही यहाँ पे करेंगे अंडर रूट में 0 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + i / 1 - i इसका जो मॉडुलस होगा कितना निकल के आएगा हमारा 1 निकल के आएगा। अब ये क्वेश्चन है जैसे अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हम उनको एक फॉर क्वेश्चन दे रखा है z1 + z2 का होल स्क्वायर + z1 - z2 का होल स्क्वायर = 2 mod z1 स्क्वायर + 2 mod z2 स्क्वायर ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है हमने z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a + ib z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया c + id। जब हम इनको ऐड कर रहे हैं z1 + z2 इस तरह से रियल पार्ट में रियल पार्ट के लिए ऐड किया जाएगा a + c हो गया इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट को लिया। अगर हम इनका मॉड करते हैं तो अंडर रूट में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है
ए प्लस सी का स्क्वेयर रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस बी प्लस डी का स्क्वेयर इमेजनरी पार्ट स्क्वेयर। अगर अंडर रूट में है मॉड जेड वन प्लस जेड टू है, इसका स्क्वेयर कर देंगे तो अंडर रूट ही हट जाएगा, और यहाँ ए प्लस सी का होल स्क्वेयर है तो उसका फॉर्मूला ओपन होता है ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए सी। बी प्लस डी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होगा बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस टू बी डी। तो इस तरह से हम यहाँ पे जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वेयर निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर हम जेड वन माइनस जेड टू कर रहे हैं, ए प्लस आई बी जेड वन की वैल्यू है, जेड टू की वैल्यू होगी माइनस सी माइनस आई डी। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को कैलकुलेट किया जाएगा प्लस माइनस, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट ए माइनस सी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस डी का स्क्वेयर। तो यहाँ पर अंडर रूट में है ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू ए सी हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वेयर है, बी माइनस डी का होल स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस टू ए सी। अगर हम यहाँ पे मॉड का स्क्वेयर कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा इस सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें ऐड करना होगा। अगर हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में मॉड जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वेयर है, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वेयर है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है। ये जेड वन प्लस जेड टू के मॉड का स्क्वेयर है, दूसरी वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू के मॉड का स्क्वेयर है। अब ए सी से ये 2ac डिवाइड हो जाएगा, 2bd से 2bd, ये वैल्यू है हमारे पास। अगर हम ऐड करते हैं 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू है मॉड जेड वन के स्क्वेयर की। ऐसे देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था, अगर हम जेड वन है ये ए प्लस आई बी, अगर हम इसका मॉड करेंगे तो जेड वन का मॉड होगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ऐसे ही जेड टू का मॉड करेंगे तो होगा हमारे पास अंडर रूट में सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसका हमारा स्क्वायर जो कि हमें क्या करना था प्रूव करके लाना था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पावर होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम क्या है, इफ एन बी ए रेशनल नंबर द वैल्यू ऑफ वन और मोर वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन इक्वल्स टू होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये डिमेवर्स थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रूव दैट वन प्लस आई की पावर एन प्लस वन माइनस आई की पावर एन इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करके लाना। तो जो वन प्लस आई है पहले हमें इसे बदलना होगा किसमें, पोलर फॉर्म में बदलना होगा। पोलर फॉर्म मीन्स आर कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। यहाँ आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि टू आर ही अंडर रूट है, अल्फा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, जहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था एक्स और वाई के फॉर्म में वाई अपॉन एक्स था, यहाँ बी अपॉन, तो वो निकल के आ रही है हमारी अल्फा की वैल्यू फाइव वाई। तो वन प्लस आई के जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी हमारी अंडर रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर, वन माइनस आई की होगी अंडर रूट टू कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर। अगर हम इनकी पावर एन करते हैं अकॉर्डिंग टू एल एच एस पावर एन होगी, तो ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, अंडर रूट टू की पावर भी रहेगी और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की।
कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर डिमेवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल के साथ हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों टू कॉस एन पाई बाई फोर। और पहले से हमारे पास है अंडर रूट मीन्स होता है पावर वन बाई टू, एन उसकी पावर है एन बाई टू होगा, टू की पावर यहाँ पे वन है, मल्टीप्लीकेशन में पावर एड हो जाती है लॉ ऑफ आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग, घातांक के नियम से गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ टू की पावर हो जाएगा एन बाई टू प्लस वन। एंड थ्रू अगर हमारा कोई क्वेश्चन है जहां कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है वो एन रूट में है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जेड की पावर एन इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर वन अपॉन ए, तो उसके लिए हमें थीटा की जनरल वैल्यू लेनी है। थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, थीटा प्लस टू एन पाई या टू के पाई, टू एन पाई या टू के पाई। जेड इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये पावर कहाँ जाएगी हमारी एंगल पे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू डिमेवर्स। फिर हमें के की जो वैल्यू पुट करनी है एन माइनस वन तक पुट करनी है, कहाँ से, जीरो से, जीरो वन टू थ्री ऐसे हमें पुट करनी है। तो इस तरह से जो इसके एंथ रूट होंगे हर के की वैल्यू के लिए एक रूट वैल्यू इसमें से निकल के आएगी। ऐसे अभी ये देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू जीरो या एक्स की पावर फोर इक्वल टू माइनस वन, अगर हम देखें एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन की पावर वन बाई फोर, ये हमने डिमेवर पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद डिमेवर्स थ्योरम यूज करेंगे तो ये पावर कहाँ हो जाएगी, जनरल वैल्यू के बाद थीटा की एंगल भी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें जो एन की वैल्यू यहाँ के था वहां पर मैंने एंड अप रखा है, तो एन की वैल्यू पुट करनी है हमें एन माइनस वन तक, जीरो वन टू थ्री, तो इसके फोर्थ रूट है, चार रूट है, चार वैल्यू इसमें निकल के आएंगी। एक्स जीरो, एन की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में इस तरह से निकल के आएगी ये एक वैल्यू। एक्स वन, एन की जगह जब वन पुट करेंगे तो ये सेकंड वैल्यू निकल के आएगी। एक्स टू, एन की जगह जब आप टू पुट करेंगे दूसरी वैल्यू। इस तरह से थीटा की जो टोटल वैल्यू है वो चार वैल्यू निकल के आएंगे, ओके। अब हम आगे हम थैंक यू।